नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नई सरकार के बड़े फैसले आए, बच्चों के हृदय में छेद का इलाज फ्री, 2 विभागों में 169 नए पद बने, पैसेंजर वाहनों का रोड टैक्स माफ, होमगार्ड को पे ग्रेड का लाभ। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बाल हृदय योजना के तहत बच्चों के दिल के इलाज का फ्री व्यवस्था तय की गई है। बिहार में चल रहे व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के मालिकों को राहत मिली है। विभिन्न विभागों में कुल 169 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। होमगार्ड जवानों को भी ग्रेड पे का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। बाल हृदय योजना के तहत बच्चों के दिल के छेद का इलाज अब फ्री हो सकेगा। जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिलेगी। बिहार सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही बिहार में रजिस्टर्ड या स्थायी परमिट के आधार पर चल रहे व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के मालिकों को राहत मिली है। उन्हें 6 जुलाई 2020 से लेकर 6 सितंबर 2020 तक के 63 दिनों का रोड टैक्स नहीं देना होगा। कैबिनेट की बैठक में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल पटना के 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के 26 पद के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। वहीं क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालय के विभिन्न कोटि के 143 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने पे स्केल वाले होमगार्ड जवानों को लाभ देने का फैसले पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद बिहार गृह रक्षा वाहिनी के ग्रेड पे वाले सिपाही, अधिनायक और अधिनायक ग्रेड 1 के करीब 400 से अधिक लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में स्टाफ नर्स के 4102 पदों के लिए करे आवेदन, 20 जनवरी तक जारी रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर काम करने इच्छुक और योग्य कैंडिडेट 20 जनवरी को या उससे पहले स्टेट हेल्थ सोसाइटी bihar.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को बिहार नर्सिंग पंजीकरण परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद से स्थायी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन पदों के लिए योग्यता भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल या संस्थान से GNM पाठ्यक्रम और कैंडिडेट्स नर्सिंग परिषद के साथ रजिस्टर होना चाहिए या फिर BSc भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल या संस्थान से नर्सिंग और कैंडिडेट को नर्सिंग काउंसलिंग के साथ रजिस्टर होना चाहिए, जिसके साथ बेसिक BSc भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल या संस्थान से नर्सिंग और कैंडिडेट को नर्सिंग काउंसलिंग के साथ रजिस्टर होना चाहिए। पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने किया बर्खास्त, इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने भ्रष्टाचार से लिप्त पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। सभी घूस लेने के आरोपी थे। पटना सिविल कोर्ट के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार में लिप्त इतनी संख्या में कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। सूबे के निचली अदालतों में भ्रष्टाचार को लेकर आए इन दिनों बातों की चर्चा होती रहती है। इस कार्रवाई के बाद ऐसा लग रहा है कि देर से ही सही, दोषियों को दंड तो मिला, बर्खास्त होने वालों में से 8 पेशकार भी शामिल हैं। 15 नवंबर 2017 को एक निजी टीवी चैनल ने कोर्ट में चल रहे घूस के लेन देन को कैमरे में कैद कर प्रसारित किया था, जिसे देश भर के लोगों ने देखा था। न्यायपालिका की छत्रछाया में रिश्वतखोरी को उजागर करने के बाद यह मामला चर्चित हुआ था। एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेशेकारों को और अन्य कर्मियों का अभियुक्त के साथ लेन देन का खेल जब चल रहा था तो एक टीवी चैनल के पत्रकार ने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। जैसे ही इसका प्रसारण हुआ वैसे ही न्यायपालिका में खलबली मचने लगी। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन के संज्ञान में जैसे ही यह मामला आया उन्होंने टीवी में दिखने वाले सभी कर्मियों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया। फिर एक बार जमेगा सीएम नीतीश का जनता दरबार, जानिए कब लोगों से सीधे फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। बिहार सरकार अब जनता की समस्या से एक बार फिर सीधे रूबरू होना चाहती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कोरोना संकट के कारण जनता से सीधे नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार जब कोरोना खत्म हो तो
फिर से जनता की परेशानियों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद वह फिर से जनता दरबार की शुरुआत करेंगे और लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम ने जनता दरबार के कार्यक्रम को फिलहाल टालने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि बिहार में वैक्सीनेशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी की गई है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिहार में हम इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। इंग्लैंड में एक नया स्ट्रेन आया है, इसीलिए हमें और भी सजग रहना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार में कोरोना टीकाकरण के लिए तैयार हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका प्राथमिकता पर दिया जाएगा। हम केंद्रीय दिशा निर्देश का पालन करेंगे और टीकाकरण का प्रभावी ढंग से संचालन करेंगे। 1200 से अधिक सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने पीटी की दोबारा जांच से किया इनकार। बिहार लोक सेवा आयोग को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के राज्य में 1200 से भी ज्यादा सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। जस्टिस शिवाजी पांडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करके बीपीएससी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए ली गई पीटी परीक्षा के मॉडल आंसर और रिजल्ट के फिर से मूल्यांकन के लिए नई एक्सपर्ट कमेटी बैठाने से इनकार किया है। दरअसल 26 मार्च 2019 को मेंस के ठीक पहले जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने आयोग को 4 प्रश्नों की जांच नई एक्सपर्ट कमेटी से कराने के निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने मॉडल उत्तर को किताबों के रेफरेंस के आधार पर गलत करार दिया था। मामले में एकलपीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोरोना के नए स्ट्रेन से बिहार में दहशत। लंदन से बिहार लौटे 19 लोगों का नहीं चल रहा पता, खोज में जुटी पुलिस। कोरोना के नए स्ट्रेन से बिहार में भी संकट के बादल छाए हुए हैं। राजधानी पटना के पुलिस इन दिनों ब्रिटेन से बिहार लौटे 19 लोगों की तलाश कर रही है। इन लोगों से अभी तक संपर्क नहीं साधा जा सका है, जिसके बाद अब उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी पटना पुलिस को दी गई है। इंग्लैंड से आए यात्रियों की पहचान लगातार की जा रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता पहले इंग्लैंड में ही चला है, जिसके बाद बिहार सहित अन्य राज्यों में लंदन से हाल ही में लौटे लोगों की पहचान शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 97 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, जो हाल में लंदन से बिहार आए हैं। इसमें 57 लोगों का पता किया जा चुका है, जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा चुका है। 57 लोगों का टेस्ट रिपोर्ट भी आ चुका है, सभी कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। वहीं कुल 97 में 19 लोग ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं साधा जा सका है। दरअसल इन लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर ही मिल सका है। दिए गए नंबरों पर फोन करने के बाद कॉल रिसीव नहीं किया गया, जिसके बाद सिविल सर्जन कार्यालय से इन 19 लोगों का नंबर एसएसपी को सौंपा गया है। अब पटना पुलिस इनका पता लगाकर सिविल सर्जन कार्यालय को इनकी जानकारी देगी, जिसके बाद इन सबों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। भाजपा अपने नेता और कार्यकर्ताओं को देगी ट्रेनिंग। 9 से राजगीर में लगेगा शिविर। भाजपा ने नए वर्ष में अपने संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इसके तहत सबसे पहले प्रदेश स्तरीय नेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 9 और 10 जनवरी को राजगीर में होगा। इसमें सभी सांसद, एमएलसी व विधायक समेत प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहेंगे। इसमें बिहार प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव के भी मौजूद रहने की संभावना है। इसके बाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला स्तरीय सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बिहार के सैकड़ों प्रधानाध्यापकों के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा वेतन। जानिए क्या है मामला। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। राज्य के सैकड़ों प्रधानाध्यापकों के लिए दरअसल यह बुरी खबर है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया है। हेड मास्टरों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोटेड कुछ हेड मास्टरों को वेतन स्थगित का भी आदेश दिया गया है। पटना शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक पटना जिला के विभिन्न स्कूलों में तैनात 32 प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। दरअसल स्नातकोत्तर की असामान्य डिग्री के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आसान शब्दों में कहे तो इनकी डिग्री को असामान्य या फर्जी माना गया है।
चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक पास युवकों की जद्दोजहद, बिहार विधान परिषद के बाहर लगी कतार को देख लीजिए। बेरोजगारों को रोजगार देने के नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के वायदों की हकीकत देखना हो तो बिहार विधान परिषद के बाहर पहुंच जाइए। विधान परिषद में चपरासी, सफाई कर्मी, माली और दरबान जैसे पदों के लिए बहाली चल रही है। बीटेक से लेकर पीजी और ग्रेजुएट युवक धक्के खाते दिख जाएंगे। विधान परिषद ने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली के लिए इंटरव्यू शुरू किया है। इस इंटरव्यू को देने के लिए जो लोग आ रहे हैं वे बिहार की सही तस्वीर बयान कर देंगे। बिहार विधान परिषद ने फोर्थ ग्रेड के 134 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी। परिषद में 96 चपरासी यानी ऑफिस अटेंडेंट और 38 सफाई कर्मी, माली, दरबान के बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है। सिर्फ 136 पदों की जब परिषद ने आवेदन मांगा तो लाखों की तादाद में एप्लीकेशन आ गए। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ये बहाली होनी है, लिहाजा 2 महीने तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती रहेगी। सुशील मोदी को दिल्ली में नहीं मिला बंगला, राज्यसभा सांसदों के लिए बने अपार्टमेंट में फ्लैट हुआ आवंटित, जानिए क्या है उनका नया पता। बिहार के डिप्टी सीएम पद से बेदखल किए गए सुशील मोदी को दिल्ली में बंगला नहीं मिला। राज्यसभा सांसद चुन लिए गए सुशील मोदी को सांसदों के लिए बने नए अपार्टमेंट में फ्लैट आवंटित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इसी अपार्टमेंट में बिहार बीजेपी के एक और दिग्गज सीपी ठाकुर भी रहते थे। उन्हें दिल्ली के बीडी मार्ग पर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 604 आवंटित कर दिया गया है। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 में बिहार बीजेपी के एक और दिग्गज डॉक्टर सीपी ठाकुर रहते थे। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।